हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पीएम सम्मान निधि योजना के तहत हर किसान को एक साल में 6,000 रुपये की किस्त आती है, जिसमें कि 2,000 की तीन किस्तें आती हैं। और फ्रेंड, जैसा कि आपको ये भी पता है कि पीएम किसान निधि योजना की नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है उसको प्राप्त करने के लिए आपको eKYC कंपलसरी है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने लास्ट डेट 31 मार्च डिसाइड की है। बट फ्रेंड्स, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट इतनी बिजी चल रही है कि उस पर अपने KYC को अपडेट कराना बहुत ही मुश्किल हो पा रहा है। बहुत दिनों से लोग ट्राई कर रहे हैं बट KYC अपडेट हो ही नहीं पा रहा। कभी कुछ एरर आ जा रहा है, कभी कुछ दिक्कत आ रही है। बट फ्रेंड्स, आपके लिए खुशखबरी यह है कि गवर्नमेंट ने KYC को अपडेट करने की जो डेडलाइन थी 31 मार्च 2022, उसको एक्सटेंड कर दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, 31 मार्च 2022 को एक्सटेंड करके गवर्नमेंट ने जो नई डेडलाइन फिक्स की है वह है 22 मई 2022। जी हाँ फ्रेंड्स, 22 मई 2022 लास्ट डेट रहेगी पीएम किसान निधि योजना में KYC को अपडेट करने की। तो आप ज़्यादा वेट मत करिएगा, आप इसको जल्द से जल्द अपडेट कर लीजिएगा, KYC अपना कंप्लीट करिएगा। तो एक गुड न्यूज़ थी आप लोगों के लिए कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो डेडलाइन थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी वीडियो थी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।